नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भगवान राधा कृष्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए व्यवहार न्यायालय पहुंचे और वहां पर साक्ष्य जब साबित हो गया तो अन्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें उचित स्थान यानी कि मंदिर में ले जाने के लिए कहा गया। दरअसल मामला पृथ्वीपुर का है। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले पृथ्वीपुर में 2009 में बिहारी जू मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों की चोरी हुई थी। इसके बाद हालांकि इनकी बरामदगी हो गई, लेकिन साक्ष्य के तौर पर उन्हें प्रदर्शित करने के लिए न्यायालय द्वारा बुलाया गया था और इसी को लेकर भक्तों ने उसको एक अलग स्वरूप प्रदान किया और वाहन के माध्यम से बैंड बाजे के साथ भजन कीर्तन करते हुए लगभग 22 किलोमीटर की निवाड़ी की यात्रा तय की और वहां पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात उनको वापस मंदिर में ससम्मान धार्मिक आस्था के साथ बिठाए जाने के आदेश दिए गए। जब कोर्ट से आदेश आया था कि समस्त सामान सहित आप कोर्ट में पधारें, तो मैं कोर्ट में मैंने मूर्तियां, भगवान की मूर्तियों को लेकर सामान में मूर्तियां बरामद हुई थी और जो मेरी सुपुर्दगी में मूर्ति मिली थी हमको, तो वो मूर्ति लेकर हम न्यायालय कोर्ट निवाड़ी जा रहे हैं। क्या आदेश आपको मिला था, किस तरह का ऐसा आदेश था? जी, कोर्ट का आदेश था, उसमें लिखा था कि समस्त सामान सहित आएँ, तो सामान में हमको मूर्तियाँ मिली थी तो वो मूर्तियाँ लेकर हम कोर्ट जा रहे हैं। क्या हो गई थी, घटना क्या थी? चोरी हो गई थी सर मंदिर की सन 2009 में मेरी, तो चोरी के बाद मूर्ति हमें कोर्ट से सुपुर्दगी में मिली थी। कोर्ट ने थाने को आदेश किया, आदेश से हमें सुपुर्दगी में मिली थी, थाने में मूर्तियां रखी थी। कितने लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था? 4 लोगों को आरोपी बनाया था सर। सर जी, 2009 में बिहारी जू मंदिर की चोरी हो गई थी, इसमें 4 लोग आरोपी बनाए गए थे और कोर्ट में आदेश अनुसार जो मूर्ति सुपुर्द की गई थी वो मूर्ति लेकर आज कोर्ट में जा रहे हैं। मूर्तियों को क्यों लेके जा रहे हैं? कोर्ट ने आदेश किया है कि जो आपकी सुपुर्दगी में सामग्री प्राप्त हुई थी उसमें मूर्ति क्या प्राप्त हुई थी, इसलिए लेकर जा रहे हैं। क्या है, दिनांक 14 और 15 की मध्य रात्रि को वर्ष 2009 में बिहारी जी के मंदिर से मूर्तियाँ जो चोरी हुई थी उसके संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आज मंदिर की जो मूर्तियां थी वो साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित होने के लिए लाई गई थी, जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य ग्रहण कर मूर्तियों को यथास्थान रखने का आदेश दिया गया है। सर, जैसा कि भगवान को बुलाया गया, भगवान के मंदिर के जो मूर्तियाँ खुद चल के आई हैं, पुजारी भी आई हैं, क्या लगता है? ये कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय की है, साक्ष्य का नियम है, उसमें इनको बुलाया गया था साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित होने के लिए, जिसके कारण प्रकरण के आरोपियों को कोई साक्ष्य के प्रकरण के आरोपियों के संबंध में कोई भी लैकुना ना छूटे। सर, ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं था कि यहाँ से जाके वहाँ पर शनाख्त हो सके, मंदिर जाके शनाख्त हो सके? मंदिर जाके शनाख्त ऐसा हो सकता था, कभी शक करवाया जा सकता था,